here, a lot of sports persons here. I'm sure CM sir is very encouraging, irrespective of different states. I must say, this is one of the best. I've never seen so many people sitting here and, you know, supporting us. I'm sure one fine day you will also be sitting here in front of, on the dais, and I'm sure a lot of people will be inspired by you. Once again, thank you so much for giving me this opportunity, and it is such an honor. Thank you. थैंक यू पीवी सिंधु. इनके साथ सेल्फी लेने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है, हाइट ऑफ सक्सेस जिसे हम कहते हैं. तो बैडमिंटन से दोस्तों वापस आपको रेसलिंग के अखाड़े में ले चलते हैं. अच्छा, वो फोटो किस किस ने देखी थी अपने सोशल मीडिया पर? वो एक सेमीफाइनल हो रहा था, भारत के एक रेसलर ने विरोधी को चित कर दिया था और विदेशी ने उसका बाजू पे काट लिया था दांतों से, लेकिन हमारे पहलवान ने छोड़ा नहीं था उनको. जितना बड़ा घाव उन्होंने रवि दहिया के बाजू पर दिया, रवि ने उसका बदला लिया चित करके, पिन फॉल करके. रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, जोरदार तालियां. और मैं दूर जा रहा हूं. पहले तो आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार. और जो आज आपने मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमारे जो सीएम साहब जी हैं आदित्यनाथ जी, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया. इसके लिए मतलब आपका दिल से धन्यवाद. और जो बाजू काटने की बात है, वो तो देखो बात ऐसी थी कि वहाँ पे सब खिलाड़ी एक देश के लिए मतलब जीतने के लिए आते हैं, तो वो एक ऐसा मंच था कि मतलब अगर वो भी पहलवान था, वो भी जीतने के लिए आया था, और मैं भी, अगर वो बाजू अगर उसने, मैं ये देखता कि मेरी बाजू मतलब इसमें पेन हो जाए और ब्लड आ जाएगा, तो वो एक मतलब ये होता कि मतलब पहले मैं अपने को बचा रहा हूँ. तो मेरे को ये करना नहीं था, ये था कि एक देश एक इस निगाह से देख रहा है कि मतलब लड़का क्या करता है. तो इसके लिए बस यही था कि मतलब जीतना है, चाहे बाद में कुछ भी हो. तो मतलब हमारी जो फेडरेशन है, WFI के अध्यक्ष हैं सर, तो बजरंग भाई ने बताई दिया कि जो मतलब यूपी से ही हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था पहले ही हमारे के लिए, हमारे लिए, कि मतलब हर चीज़ मुहैया थी पहले से ही. हमारे सारे के सारे प्लान तैयार थे कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से मतलब आपको टूर्नामेंट में जाना है. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत. भाई रवि का मतलब होता है सूर्य, और इस भाई ने जो किरणें बिखेर दी हैं रेसलिंग के जगत में, उसके प्रकाश से अब देखिए सारे ऐसे चकाचौंध होंगे कि काटना छोड़िए, इनके पास कोई फटक नहीं पाएगा. इतना बढ़िया खेले थे ये टोक्यो ओलंपिक्स में. अच्छा, जब टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी दिन था दोस्तों, जो भारत की पार्टिसिपेशन का, उसमें सबसे पहले तो बजरंग ने सिल्वर कांस्य मेडल हमको दिलवाया. उसके बाद एक और इवेंट बाकी था, हम लोग कमेंट्री में थे, और अचानक से हमारे सोशल मीडिया पर एक कविता की चार पंक्तियां कम से कम हजारों लोगों ने भेजी, ट्विटर पे भी, व्हाट्सएप पे भी. वो आपको सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे कि अगले मेहमान कौन है. दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाल आ जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाल आ जाए. भारत के सुपुत्र, पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में ओलंपिक का जिन्होंने जितवाया, नीरज चोपड़ा. सबसे पहले वो सभी को नमस्ते, और मैं थैंक यू करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का. सच बताऊं तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंस गया हूँ, इतना तो नर्वस मैं ओलंपिक स्टेडियम में नहीं हुआ था. देखिए, बोलने का इतना पता नहीं है, पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो ये आज इतना बड़ा स्टेज लगाया है और आप सभी को बुलाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एक ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी प्रदेश में आया, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे इंडिया का एक फंक्शन है. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहूँगा कि ये इतना जोश मुझे आगे दिख रहा है, इन्हीं में हमारे ओलंपियंस, इन्हीं में अगले मेडल्स बैठे हैं, तो
मैं बस आप सभी से ये कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए